और ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होने से उन्होंने बहिष्कार किया था, कार्य बहिष्कार किया था। मारपीट करने वाले दरोगा व सिपाही पर केस भी दर्ज हो गया है। सभी अधिवक्ताओं को के साथ जो मारपीट हुई थी, उसकी वजह से बहिष्कार हुआ था। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार किया था, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होने के कारण वो कार्य बहिष्कार किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने लेटर जारी करके ये बताया है और सभी अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य पर लौटने को भी कहा है। ये खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया है। आपको बता दें, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होने से कार्य बहिष्कार किया था। मारपीट करने वाले दरोगा व सिपाही पर केस भी दर्ज हो गया है, मुकदमा भी हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने लेटर जारी किया और सभी अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य पर लौटने का दरख्वास्त किया। ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। आपको बता दें, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होने से कार्य बहिष्कार किया था। जो मारपीट करने वाले दरोगा और सिपाही थे, उन पे मुकदमा भी दर्ज हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने एक लेटर जारी करके सभी अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य पर लौटने का दरख्वास्त किया है।